नमस्कार, आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आइए शुरू करें आज का ध्यान। आप सीधे होके बैठे, पीठ सीधी, एक कंफर्टेबल जगह पर बैठे, आराम से बैठे। अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और जेंटली अपनी आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए और अपने माइंड को भी रिलैक्स कीजिए। देखिए कि जितना धीरे व लंबा आपका श्वास होगा, उतना ही जल्दी आपका मन शांत होगा। आज इस होली के पर्व पे, इस पूर्ण पूर्णिमा के दिन, आइए पूर्णिमा का ध्यान करें। आप अपने चारों ओर अपने सभी देवी देवता, गुरु व इस संसार की सबसे पॉजिटिव ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलने दें। देखें कि एक सुनहरे रंग का घेरा इन सभी के आशीर्वाद व ऊर्जा से बन गया है, जो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। इनका धन्यवाद करें। वह धरती माँ को धन्यवाद करते हुए आइए इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। एक गहरी धीमी पूर्ण सांस अंदर और एक पूर्ण सांस बाहर। इन सांसों की गति को धीमा वो पूर्ण ही रखें। देखिए, कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्र किनारे बैठे हैं। आपके सामने सुंदर सा बहता हुआ विशाल दरिया पानी है। इस पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब आसमान में देखें, वह पूर्ण चंद्रमा की ओर देखें और उसे एकटक देखते ही रहे। चंद्रमा की चांदनी आप ही की ओर आ रही है, ऐसा देखिए। ये पूर्ण चंद्रमा जो बड़ा ही शक्तिशाली है, जो बड़ा ही शीतल है, रोशनी से भरपूर है। देखिए कि चंद्रमा बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है और आप इस चंद्रमा की चांदनी में चारों ओर से भीग रहे हैं। चंद्रमा की चांदनी आपको सभी तरफ से घेरे हुए है। इसकी शीतल कोमल किरणें आपके शरीर को मिल रही है और ये शीतल किरणें आपके शरीर से, आपके स्किन से शरीर के अंदर जा रही है और इस शरीर में
जहाँ जहाँ भी ये शीतल किरणें पड़ रही हैं, आ रही हैं, आपका शरीर एक प्यासे जैसा इसे लेता जा रहा है, क्योंकि इनकी शीतल किरणें इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी शीतल हैं कि शरीर को तुरंत ही एक सुखमय आनंदमय अनुभव दे रहा है। पूर्णिमा में, पूर्णिमा की शीतल किरणों में एक और विशेषता होती है। ये विशेषता ये है कि ये किरणें जहाँ और जिस किसी पे पड़ती है उसकी शक्ति को बढ़ाती है। तो आइए इस पूर्णिमा के इन किरणों से आज हम हमारे शरीर को स्वच्छ और शीतल करें। देखिए कि ये शीतल किरणें आपके माथे से अंदर जाती हुई आपके शरीर की हर एक सेल कोशिकाओं को छू रहा है और इनमें जो भी आज तक आपने ऐसी भावनाएं, ऐसा डर, ऐसा दुख, ऐसी चीजें जो आपने अपने शरीर में भर रखी हैं, जिनका अब कोई काम नहीं, ऐसी सभी भावनाएं शरीर को तुरंत छोड़ रही हैं और उन सब जगह ये प्यार भरी शीतल किरणें ले रही हैं। जैसे हर दिवाली घर का कोना कोना साफ होता है, उसी तरह ये शीतल किरणें, शक्तिशाली किरणें आपके शरीर में से इस तरह की सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर रही है और आप पूर्णतः स्वच्छ व शीतल हो रहे हैं। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि आपको जो कुछ भी इस शरीर से छोड़ना है या लेट गो करना है, आप वो आज कर सकते हैं। किसी के प्रति की नफरत, किसी के प्रति का गुस्सा, कई ऐसे अनचाहे अनुभव, इन सब को आज आप छोड़ सकते हैं। देखिए कि आपके सामने जो समुद्र है, इसमें आप इस तरह की सभी भावनाएं त्याग रहे हैं। जिन जिन को भी आपको माफ करना है, उन सभी को माफ कर रहे हैं। बचपन से अभी तक याद करते जाइए और इस तरह की सभी भावनाओं को छोड़ते जाइए। अपने शरीर को खाली करते जाइए। शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप दुख, दर्द, नफरत, गुस्से को रखें। जितना ये शरीर में रहेंगे उतना आप ही का शरीर अस्वस्थ होगा। ऐसी सभी भावनाओं को तुरंत शरीर से बाहर की ओर जाने दीजिए। देखिए कि जैसे जैसे ये भावनाएं शरीर के बाहर जा रही हैं, आप माफी देते जा रहे हैं, वैसे वैसे शरीर में ये सफेद शुभ्र शीतल प्रकाश आपके शरीर को शांत और शांत
और शांत कर रहा है। आपके शरीर को, आपके मन को, आपके भावनाओं को स्वच्छ कीजिए, साफ कीजिए, हल्का कीजिए। इस चांदनी में पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए। देखिए कि शीतल प्रकाश आपके सिर के सभी कोशिकाओं को, सभी नसों को, सभी नाड़ियों को स्वच्छ, शांत और प्रेम से भर रहा है। अब आपके शरीर में किसी के प्रति कोई नकारात्मकता नहीं है। आप पूर्ण रूप से स्वच्छ, शांत और प्रेम से भर रहे हैं। इस भावनाओं को, इस प्रकाश को शरीर में सभी जगह, सभी ओर फैलने दीजिए। देखिए कि आपका पूर्ण शरीर इस स्वच्छ सफेद प्रकाश से भर रहा है, शांति और प्रेम से भर रहा है। आपके शरीर की प्रत्येक नस, नाड़ी में प्रेम की भावना से, शांति से आपके शरीर को एक उमंग, एक तरंग सी महसूस हो रही है। इस आनंद को पूर्ण शरीर को अनुभव करने दें। जैसे जैसे आपकी सांसें आप लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए कि अब आप पूर्ण प्रेम से भर चुके हैं। ना केवल शरीर पर आपका मन भी प्यार से भर चुका है, शांति से भर चुका है। इस आनंद को पूरे दिन शरीर में रहने दें। और ये आपका शरीर है, इसमें किसी भी तरह की नकारात्मकता की कोई जगह नहीं। तो इसमें कभी भी किसी की भी नकारात्मकता शरीर में ना रखें। जितना हमारा घर साफ, उतना ही हमारा बाहरी तन व आंतरिक मन भी साफ। एक गहरी सांस लीजिए
शरीर का अनुभव कीजिए, इस शरीर में फैल रहे आनंद का अनुभव लीजिए, इस शरीर में इस शांति का अनुभव लीजिए और अपने चेहरे पे इस आनंद को मुस्कुराहट के रूप में आने दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और अपने चारों ओर अपने गुरु देवी देवताओं की ऊर्जा का अनुभव कीजिए, जो आपके साथ हैं, जो आपका सुरक्षा कवच है। इन्हें धन्यवाद दीजिए, अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, उन्हें घिसिए और अपने चेहरों पे रखिए, अपनी आँखों पे रखें। धीरे धीरे अपनी आँखें अपने ही हाथों में खोलें। और जागृत अवस्था में आइए। इसी के साथ ये ध्यान यहीं समाप्त होता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू।